हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षवर्धन, आपका विज्ञान टीचर। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों ने कक्षा 9 अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं स्टार्ट कर दिया था। इसके ऊपर दो वीडियोस हमारी बन चुकी हैं। आज की वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे विलयन, विलयन के प्रकार, गुणधर्म, विलयन का सांद्रण, उनके ऊपर कुछ प्रश्न हल करेंगे और आखिरी में हम लोग संतृप्त और असंतृप्त डेफिनेशन पढ़ेंगे। बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से निवेदन करता हूं कि जिन जिन ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और बच्चों, आगे हम लोग पढ़ते हैं विलयन। तो बच्चों, बात करते हैं हम लोग विलयन की, यानी कि सॉल्यूशन की। जब भी हम लोग विलयन की बात करेंगे तो वो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर ही बनेगा। और वो कैसा मिश्रण होगा? समांगी मिश्रण होगा। हम लोगों ने जब लास्ट वीडियो पढ़ी थी तो वहाँ पर मैंने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे कि जितने भी समांगी मिश्रण होते हैं वो क्या था? विलयन होता है। ये हमने पॉइंट बोला था और बोला भी था मैंने कि याद रखना आप लोग, आगे इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी हम बात करेंगे समांगी मिश्रण की, तो जो भी हमारा समांगी मिश्रण होता है वो हमेशा क्या होगा? विलयन कहलाता ही है। तो विलयन के लिए जब भी हम बात करेंगे तो वो कैसा होगा? समांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्या होते हैं? तो हर जगह बिल्कुल एक समान होने वाला मिश्रण ही क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण। हम लोगों ने उदाहरण पिछले लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जब हम लोग शरबत बनाते हैं, चीनी और पानी को मिला दिया तो वो कैसा रहा? एक समान रहा हर जगह, तो वो कैसा बन गया? समांगी मिश्रण। और उस समांगी मिश्रण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विलयन कहा जाता है। अब उदाहरण के नाम पर नमक विलयन, नमक का पानी, शक्कर विलयन और सिरका जिसे हम लोग विनेगर बोलते हैं, वो सब के सब कैसे होंगे? विलयन के उदाहरण है। इसके अलावा वायु, वायु भी किस में आता है हमारा? विलयन में, क्योंकि ये सब के सब हर जगह एक समान होंगे और उसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया है? समांगी मिश्रण। तो अगर हम बात करते हैं विलयन की, तो एक कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी होगी कि जितने भी विलयन हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? समांगी मिश्रण कहलाते हैं। अब बच्चों, जो भी हमारे पदार्थ हैं, जब हम लोगों ने कोई मिश्रण बनाया और उसमें दो या तीन पदार्थों को हम लोगों ने मिलाया, तो जब वो पदार्थ मिलते हैं आपस में वो एकदम अच्छी तरीके से घुल मिल जाएं, जैसे हम लोगों ने बात करी चीनी और पानी की या फिर नमक और पानी की, तब वो आपस में इस तरीके से घुल जाते हैं कि हम लोग उसमें विभेद नहीं कर सकते, उसमें कोई डिफरेंस नहीं निकाल सकते हैं, तो उनको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं और वो क्या होता है? वास्तविक विलयन। ध्यान रखना, जब हम लोग पदार्थों को मिलाते हैं और एक नया मिश्रण तैयार होता है तो उसके पदार्थ जब आपस में एकदम इस तरीके से मिल जाएं कि हम लोग उसमें कोई अंतर ही ना ढूंढ पाएं और वो पूरे के पूरे उस मिश्रण में एक समान हो, तो उसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, वास्तविक विलयन, और जिसको बोला जाता है इंग्लिश में ट्रू सॉल्यूशन। तो ध्यान रखिएगा, अच्छी तरीके से मिश्रित हो जाएं और उनमें हम लोग कोई विभेद नहीं कर पाएं तो उसको क्या बोला जाता है? वास्तविक विलयन। क्लियर है? एक बार दोबारा से बताता हूं, विलयन जब भी हम बात करेंगे तो क्या याद रखना है हम लोगों को? समांगी मिश्रण होना चाहिए, ठीक है? और समांगी मिश्रण का मतलब ही क्या होता है? हर जगह वो बिल्कुल एक समान होगा। एग्जांपल्स, नमक विलयन, शक्कर विलयन, सिरका और हमारा वायु। इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं समांगी मिश्रण की, तो जो पदार्थ आपस में बहुत अच्छी तरीके से मिल जाए, जो हर जगह मिश्रित हों अच्छी तरीके से और विभेद नहीं कर सकते हम जिनमें, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक विलयन। बच्चों, बात करते हैं विलयन के गुणधर्मों की। इसको समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, शक्कर और जल। जब भी हम लोग शक्कर और जल को मिलाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसके जो कण हैं वो बहुत अच्छे से आपस में मिल जाते हैं और उसी के बिहाव पर हम लोग ये सारी चीज़ें समझते हैं। देखो, पहला पॉइंट क्या कहता है? विलयन एक समांगी मिश्रण है। यह भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी विलयन होंगे वो हमेशा कैसे होंगे? समांगी मिश्रण होंगे। वो क्यों? क्योंकि वो पूरे के पूरे मिश्रण में एक समान होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि एक टाइम पर तो दूसरे होंगे और दूसरे समय पर दूसरे होंगे, वो हमेशा पूरे के पूरे एक जैसे ही होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? विलयन में विलय कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है। जब हम लोग शक्कर और जल को मिलाते हैं तो जो शक्कर के कण हैं वो आपस में इस तरीके से घुल जाएंगे, जो जल के कण होते हैं उसमें इस तरीके से घुल जाते हैं कि वो हमें पता ही नहीं चलते हैं। तो जो जितने भी विलयन होते हैं या सॉल्यूशन होता है, वो उसके जितने भी कण होंगे वो हमेशा आकार में क्या होंगे? बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। यानी कि अगर हम उसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तभी जाकर दिखाई देंगे, वैसे हमें नहीं दिखाई देते हैं। अगर हम बात करते हैं उसके व्यास की यानी कि डायमीटर की, तो वो 1 नैनोमीटर से भी कम के होते हैं। तीसरा पॉइंट समझते हैं बच्चों,
विलयन के कणों को सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। मैंने बताया कि जितने भी कण होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, हम लोग उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट समझते हैं बच्चों, विलयन अत्यंत स्थायी होते हैं, विलयन में उपस्थित कण रखने पर पृथक नहीं होते। देखो बच्चों, अगर हम बात करते हैं शक्कर और जल को जब हम लोग मिलाते हैं तो वो आपस में घुल जाते हैं, लेकिन अगर हम उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ दें तो क्या ऐसा होता है कि जो शुगर है यानी शक्कर है वो क्या उसके कण कुछ देर के बाद नीचे आ जाएं, उसके तल पर आ जाएं? ऐसा तो नहीं होता। वो इसीलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्थायी हैं, आपस में घुल मिल गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के लिए अगर हमने उस जल को या उस विलयन को छोड़ दिया तो उसके कण नीचे बैठ जाएंगे, तो वो ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम बाद अपने आप अलग अलग हो जाएं, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इसीलिए वो कैसे होंगे, पृथक नहीं होते हैं, वो आपस में अंतर या सेपरेट नहीं होते हैं। पांचवा पॉइंट समझते हैं, विलयन के कण फिल्टर पेपर से निकल जाते हैं। अब देखो, अगर हम लोग शक्कर और जल जो हमने मिलाया, एक मिश्रण तैयार करा, उसको मैं फिल्टर पेपर से छानूं, तो वो पूरा का पूरा जो मिश्रण है, विलयन है, वो निकल जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई पार्टिकल या उसका कोई कण जो है वो रह जाएगा, वो पूरा का पूरा उस फिल्टर पेपर से निकल जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर उसको पृथक करना चाहें यानी उसको अलग अलग करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपस में बहुत अच्छे तरीके से पहले ही मिल चुका है, और अगर हम लोग उसे फिल्टर पेपर से छानेंगे तो वो पूरा का पूरा जो विलयन है वो निकल जाएगा और कुछ भी हमें नहीं मिलेगा। तो वो हम लोग फिल्टर पेपर से भी पृथक नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा वास्तविक विलयन प्रकाश का प्रकटीकरण नहीं करता है। अब देखो, जब भी हम लोग कोई एक ग्लास में, हमारे पास शक्कर और जल का विलयन है, और हम लोग उसको एक डार्क रूम में लेकर जाएं, एक अंधेरे वाले कमरे में लेकर जाएं और टॉर्च से उस पर हम लोग रोशनी मारें, तो होगा क्या? सपोज़ वो जो ग्लास है इसमें क्या है, शक्कर विलयन है, और जब हम लोग यहाँ पर टॉर्च मारेंगे तो वो यहाँ तो दिखाई देगी, यहाँ पर भी दिखाई देगी, लेकिन वो इसके अंदर हमें दिखाई नहीं देगी, यानी वो यहाँ पर उसको स्कैटर नहीं करता है, उसको प्रकटीकरण नहीं करेगा, यहाँ से उसको रास्ता नहीं देगा। अब ऐसा क्यों? यहाँ पर हम लोगों ने बोला था पहले ही कि जो भी उसका व्यास होता है, जो कण होते हैं उसका व्यास क्या होता है, बहुत कम होता है। तो जो उसके कण हैं वो इतने छोटे छोटे हैं और इतने पास पास हैं कि वो प्रकाश को जगह दे ही नहीं पाते हैं, तो इसलिए यहाँ से वो निकले ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे हमारे गुणधर्म हैं किसके, विलयन के। तो और जब भी हमें समझना हो इनको तो हमें उदाहरण क्या लेना चाहिए, शक्कर और जल। एक बार दोबारा से समझते हैं सारे पॉइंट्स। जब भी हम लोग उदाहरण लेंगे शक्कर और जल का तो वो आपस में बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे, उसके सारे के सारे कण, और उसको अगर हम लोग कुछ टाइम के लिए छोड़ भी देते हैं तब भी उसके जो कण हैं वो जमीन उस पर तल पर नहीं आते हैं, वो आपस में मिले हुए हैं। इसके अलावा अगर हम लोग उसे फिल्टर पेपर से छानते हैं तब भी वो सारा का सारा उस फिल्टर पेपर से निकल जाएगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर हम लोग उसको अलग अलग करना चाहें तब भी अलग नहीं कर सकते। और लास्ट, अगर हम लोग उसका प्रकाश प्रकटीकरण करेंगे तभी भी वो उसको नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो कण हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो ये सारे के सारे गुणधर्म थे हमारे विलयन के। तो अब बच्चों बात करते हैं विलयन के प्रकार की। जब भी हम लोग विलयन की बात करते हैं तो हमें लगता है कि जो भी वो विलयन होगा वो हमेशा किस रूप में होगा, द्रव्य रूप में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ठोस में भी हो सकता है, द्रव्य भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो आइए समझते हैं एक बार हम लोग विलयन के प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार हमारा बनता है ठोस में ठोस का विलयन, यानी जो हमारा दो पदार्थ जिनको हम लोग मिला करके विलयन बना रहे हैं वो दोनों के दोनों ही कैसे हैं, ठोस पदार्थ हैं। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर उदाहरण लेते हैं, तो क्या आता है, पीतल। जब हम लोग कॉपर में जिंक का विलयन करते हैं, उनको मिलाते हैं, तो हमारा क्या तैयार होगा, पीतल, और वो कैसा होगा, ठोस में ठोस। ठीक है, दूसरा क्या था हमारे पास, द्रव्य में ठोस। जब भी हम बात करेंगे यहाँ पर तो सबको पता है शक्कर विलयन और दूसरा नमक विलयन, वो इसके उदाहरण हो जाएंगे, बहुत सिंपल है ये। तो तीसरा आता हमारे पास द्रव्य में द्रव का विलयन, यानी कि दोनों ही किस में है, अब लिक्विड फॉर्म में है। तो एग्जाम्पल क्या आता है यहाँ पर, सिरका। जब लोग जल में एसिडिक अम्ल कर देते हैं, दोनों को मिला देते हैं, जल में क्या मिला दिया, एसिडिक एसिड हम लोगों ने मिला दिया, तो हमें क्या मिलता है, सिरका, और वो किसका एग्जाम्पल होगा, द्रव्य में द्रव का विलयन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास चौथा आता है द्रव्य में गैस का विलयन।
यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास उदाहरण आता है सोडा वाटर। जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पर हमें क्या मिल जाएगा, सोडा वाटर मिल जाएगा, और वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, द्रव्य में गैस का। इसके अलावा लास्ट हमारे पास आता है गैस में गैस का विलयन। जब हम लोग वायु की बात करते हैं तो वो इसका उदाहरण होगा। आप लोगों को पता होगा कि नाइट्रोजन गैस जो होती है, अगर उसमें हम लोग बाकी गैसों का विलयन कर देते हैं तो हमारे को क्या मिल जाती है, वायु मिल जाती है। अब यहाँ पर बाकी गैसेस कौन सी होंगी, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑर्गन हो गया, ये सारे की सारी गैसेस को जो हम लोग इसमें विलयन कर देंगे नाइट्रोजन गैस के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, वायु मिल जाएगी, और वो गैस में गैस का विलयन हो जाएगा। तो हमें ये समझना है कि विलयन के जब भी प्रकार होंगे तो वह ऐसा नहीं है कि वो केवल एक ही रूप में हो, द्रव्य रूप में हो, या ठोस रूप में हो, या गैस रूप में हो, वो तीनों रूप में से किसी में भी हो सकता है, और इनके आपस में भी हम लोग बना सकते हैं विलयन को, ठीक है। तो ठोस में ठोस पहला टाइप, दूसरा टाइप द्रव्य में ठोस, तीसरा द्रव्य में द्रव्य, चौथा द्रव्य में गैस, और पाँचवा हमारे पास टाइप आएगा गैस में गैस का विलयन, ठीक है। तो अब बच्चों बात करते हैं हम लोग विलयन का सांद्रण की, यानी कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। बच्चों इसको समझने के लिए हम लोग छोटा सा एग्जांपल वही लेते हैं कि हम लोगों ने पानी और चीनी को मिला दिया, ठीक है। एक ये भी बीकर है और एक ये भी बीकर है, दोनों में ही हम लोगों ने पानी और शक्कर को मिला दिया है, लेकिन दोनों को देखने पर कुछ क्या फ़र्क दिख रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ पर हमें जो कण दिख रहे हैं वो बहुत कम हैं, लेकिन यहाँ पर जो कण हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर कण की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, बहुत कम है, और यहाँ पर कण क्या है, बहुत ही ज़्यादा। तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। यहाँ पर जब हम बात करते हैं विलयन के सांद्रण की, तो हमें यही पता करना है कि जो हमने विलयन बनाया है, विलयन बनेगा कैसे, दो पदार्थों को आपस में मिलाने से ही हमारा विलयन तैयार होगा। अब उसमें हम लोगों ने पढ़ा था एक विलय होता है जो कम मात्रा में होता है, और एक विलयन जो अधिक मात्रा में होगा। तो जो विलयन है, विलयन में विलय की मात्रा हमको पता करनी है, यानी अगर इस विलयन में, इस सॉल्यूशन में मैं बात करता हूँ तो इसमें शक्कर की मात्रा कितनी है, कम है, ज़्यादा है, वही हमें जो पता करना है उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, विलयन का सांद्रण, ठीक है। तो जो भी हमारा विलयन है उसमें विलय की मात्रा का पता करना ही हमारा सांद्रण कहलाता है। अब अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पर जो कण थे वो क्या थे, कम, तो यहाँ पर साफ साफ हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जो शक्कर के कण हैं वो बहुत कम हैं, तो इसकी मात्रा क्या हो गई, कम हो गई, और यहाँ पर कण क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर मात्रा क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। लेकिन बच्चों अब इसको पता, यहाँ तो हमको देखने से पता चल रहा है, लेकिन अगर हम क्या उसको डायरेक्टली देखेंगे, उस शक्कर और पानी के घोल को, तो क्या हमें पता चलेगा, बिल्कुल नहीं पता चल सकता। तो उसको निकालने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया ना कि विलय का सांद्रण का मतलब क्या है, कि जो भी हमारे पास विलयन है उसमें विलय की मात्रा को पता करना ही हमारा सांद्रण कहलाता है, क्लियर। तो विलयन की दी हुई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा, उपस्थित विलय की मात्रा विलयन का सांद्रण कहलाती है, क्लियर हो गया यहां तक। तो अब विलय की कम मात्रा वाला विलयन, अब जैसे ये वाला था, यहाँ पर क्या है हमारे पास, जो कण हैं, जो शक्कर के कण हैं वो बहुत कम है, तो जो कम मात्रा वाला विलयन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निम्न सांद्रण बोलते हैं, ध्यान रखना। जो कम मात्रा वाला होगा उसको क्या बोलेंगे, निम्न सांद्रण, और उसी को ही हम लोग बोलते हैं तनु विलयन, क्या बोलेंगे, तनु विलयन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्लियर हो गया। तो जहाँ पर कम मात्रा वाला विलयन होगा उसे बोलते हैं निम्न सांद्रण, और उसी को क्या बोला जाता है, तनु विलयन। अब अगर विलय ज़्यादा है, अधिक मात्रा में है, जैसे यहाँ पर कण क्या है, अधिक मात्रा में है, तो उसको क्या बोला जाएगा, उच्च सांद्रण, क्या बोला जाएगा, उच्च सांद्रण, और उसको ही हम लोग बोलते हैं सांद्रित विलयन, ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो भी हमारा मैटर होगा, जो भी हमारा विलयन होगा, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, कण किस मात्रा में है, कि वो कम है या फिर ज़्यादा है। कम है तो निम्न सांद्रण, और अगर ज़्यादा है तो उच्च सांद्रण, ठीक है। और यही पता करना कि उसमें कम मात्रा में है या ज़्यादा मात्रा में है, वही हमारा क्या कहलाता है, सांद्रण कहलाता है। अब बच्चों अगर मैं आपसे एक ग्लास में मैंने चीनी का घोल दे दिया आपको, और आपसे मैं बोलूँ कि बताओ यहाँ पर जो कण है, जो इसका सांद्रण है, वो क्या होगा, कितनी मात्रा में है, तो आप कैसे बता सकते हो उसको, सोचो कैसे आप बताओगे मुझे। जब भी हम लोग कोई चीज़ बताते हैं तो कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। यहाँ पर अब एक टर्म क्या आ गई, परसेंटेज आ गया,
कि हमें प्रतिशत के हिसाब से हम लोग पता कर सकते हैं कि वो जो मात्रा है वो कम है या ज़्यादा है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास ये जो शक्कर का विलयन है वो पूरा का पूरा क्या है 100%, और मैं बोलूं कि यहाँ पर जो शक्कर है वो कितनी है 10%, और बाकी जो बच गया वो क्या हो गया 90% जल हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रतिशत के हिसाब से उसकी मात्रा बता दी कि टोटल कितना था, पूरा का पूरा पूर्ण कितना है 100%, उसमें से 10% क्या है शक्कर, और यहाँ पर बाकी का जो बच गया वो 90% क्या हो गया हमारा जल हो गया। अब अगर मैं ऐसे ही बोलूँ यहाँ पर भाई यहाँ पर क्या था कण हमारे ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 20% क्या हो गए कण हमारे शक्कर के हो गए, और बाकी का 80% क्या हो गया जल हो गया। तो यहाँ पर हम लोग अनुपात देखते हैं तो वो 20% और 80% में आएगा, और पूर्ण तो वो हमेशा होगा ही क्या 100%। तो यहाँ पर हम लोग उसको निकालने, यहाँ पर मात्रा को निकालने का तरीका क्या बोल सकते हैं कि हम लोग किससे निकाल सकते हैं, सामान्य तरीका क्या होगा प्रतिशतता विधि यानी कि परसेंटेज मेथड। ध्यान रखिएगा जब हम लोग मात्रा को पता करते हैं तो वो कहलाता क्या है सांद्रण, और उसको पता करने का तरीका जो है वो क्या कहलाता है प्रतिशतता विधि यानी कि परसेंटेज मेथड। ध्यान रखिएगा। अब बच्चों एक बात बताओ, जब हम लोग कोई पदार्थ मिलाते हैं और एक नया विलयनिक सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो हमेशा ठोस हो। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो विलयन होता है वो तीनों रूप में होता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव्य भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि वो ठोस है तो वो अलग तरीके से पता करना होगा, और अगर वो द्रव्य रूप में है तो वो हमें अलग तरीके से पता करना होगा। अब इसको समझते हैं, जब हम लोग परसेंटेज मेथड की या प्रतिशतता विधि की बात करते हैं तो वो दो तरीके से कैसे कैसे होगा। अगर वो ठोस है तो हम लोग हमेशा उसको किस रूप में दिखाएंगे, द्रव्यमान अनुसार। हम लोग जब उसे निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे करेंगे, द्रव्यमान अनुसार। और अगर वो मान लो हमारे पास द्रव्य में है, द्रव्य रूप में है यानी लिक्विड फॉर्म में है, तब हम लोग उसे आयात अनुसार निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, तो जब भी हम लोग मात्रा का पता करना है विलयन में कि विलय की मात्रा क्या है तो उसको ही क्या बोलते हैं सांद्रण, विलय विलयन का सांद्रण। अब वो जो कण थे वो या तो कम मात्रा में होंगे या ज़्यादा मात्रा में होंगे। जब कम मात्रा वाला होता है तो उसको बोलते हैं निम्न सांद्रण, निम्न सांद्रण, और उसी को तनु विलयन के नाम से भी जानते हैं। और जब अधिक मात्रा में होंगे तो वो कहलाता है उच्च सांद्रण। अब इसको निकालने की विधि क्या थी, प्रतिशतता विधि यानी कि परसेंटेज मेथड, और वो भी दो तरीके से था। एक, जब हमारा जो विलय है वो ठोस है तो हम लोग बाय मास यानी कि द्रव्यमान अनुसार निकालेंगे, और अगर वो द्रव्य है यानी कि लिक्विड फॉर्म में है तो हम लोग उसे आयात अनुसार निकालेंगे। क्लियर। अब इसके आगे के जो हमारे मेथड हैं वो हमें समझने हैं, यानी कि द्रव्यमान अनुसार हम उसे कैसे निकालते हैं और उसे आयात अनुसार कैसे निकालते हैं। तो बच्चों अब हम समझते हैं विलयन का सांद्रण किसके अनुसार, द्रव्यमान अनुसार। और यहाँ पर हम लोग द्रव्यमान क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग पदार्थ मिला रहे हैं वो कैसा है, ठोस पदार्थ होगा। तो जब वो ठोस पदार्थ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो उसको मिलाते हैं, तो हमेशा जब विलयन का सांद्रण हमें निकालना है यानी मात्रा निकालनी है विलय की, तो हम लोग किसके अनुसार निकालेंगे, द्रव्यमान अनुसार। ठीक है, अब मान लो जब भी हमें विलयन जो हमें दिया गया है वो हमेशा कितना मान के लेके चलेंगे कि वो पूर्ण तरीके से कितना है 100 ग्राम है, उस 100 ग्राम में ही हमको पता करना है कि उस विलयन में जो विलय है उसकी मात्रा कितनी है, और वो जो विलय है कैसा है ठोस, तो हम लोग किसके अनुसार निकाल रहे हैं, द्रव्यमान अनुसार। अगर द्रव्य होगा तो आयात अनुसार निकालेंगे। तो पहले हम लोग द्रव्यमान अनुसार निकाल रहे हैं, तो विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित ग्रामों में विलय के द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो जल लिया और उस जल में हम लोगों ने शक्कर डाल दी। ठीक है, अब शक्कर कैसी है, ठोस। तो हम लोग जब यहाँ पर शक्कर की मात्रा निकालेंगे, इस पूरे के पूरे जो हमें विलयन तैयार होगा जो उसमें हमने शक्कर की मात्रा निकालनी है, यानी उसे ही क्या बोला था हम लोगों ने सांद्रण, और किसके अनुसार निकालनी है, द्रव्यमान अनुसार। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो शक्कर है वो कैसी है, ठोस। तो जो पूरा का पूरा विलयन हमें तैयार हुआ वो कितना मान के चल रहे हैं हम लोग, 100 ग्राम। उस 100 ग्राम में मान लो आप लोग कि शक्कर हमें पता करनी है, तो शक्कर अगर मान के चलो
20 ग्राम है तो बाकी का जो होगा 80 ग्राम वो क्या होगा, जली तो होगा। अब लेकिन ये तो हमने एग्जांपल लिया, अब हमें इसे निकालने का तरीका क्या होगा? तो हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ते हैं विलेय की सांद्रता को निकालने का, किसके अनुसार? द्रव्यमान प्रतिष्ठा के अनुसार। तो विलेय का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, यहाँ ध्यान रखना विलायक नहीं है, विलयन है, पूरा का पूरा जो हमारा टोटल होगा वो हम लोग रखेंगे 100 ग्राम, तो हम मान के चल रहे हैं जो भी हमें प्रश्न दिया गया होगा उसमें वो दे रखा होगा। तो विलेय का द्रव्यमान, विलायन विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई 100, तो इसके अनुसार हम लोग विलयन का सांद्रण निकाल के दिखाएंगे, यानी विलेय की मात्रा को निकालेंगे, और वो भी किसके अनुसार है, ये द्रव्यमान अनुसार। अब हम लोग इस पर एक प्रश्न हल करते हैं, इससे आपको सारा का सारा ये पूरा जो मेथड था वो क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों बात करते हैं प्रश्न की। इस प्रश्न में दिया गया हुआ है एक विलयन में जल के 370 ग्राम में शक्कर के 30 ग्राम घुले हुए हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो विलयन दिया गया है उसमें जल कितना है 370 ग्राम और शक्कर कितना है 30 ग्राम। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें टोटल विलयन नहीं दिया गया है, जो पूरा सॉल्यूशन है वो उसके बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन उसमें जो दो पदार्थ हैं जल और शक्कर उनके बारे में बता दिया गया है कि जल कितना है 370 ग्राम और शक्कर कितनी है केवल 30 ग्राम। अब हमें यहाँ पर विलयन के सांद्रण की गणना करनी है। तो देखो यहाँ पर जो एग्जांपल हमारे पास जो प्रश्न है उसमें एग्जांपल में क्या लिया गया है, शक्कर है, जो हमारे पास पदार्थ घोला गया है उसमें वो क्या है, शक्कर, और वो हमेशा कैसा होगा, ठोस होगा। और ठोस में हम लोग जब भी निकालते हैं सांद्रता तो किसके अनुसार निकालेंगे, द्रव्यमान अनुसार। तो उसका जो फॉर्मूला था वो यही होगा कि विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। क्लियर है यहाँ तक? तो अब अगर हम बात करते हैं बच्चों शक्कर, विलेय का द्रव्यमान यहां पर कितना दे रखा है 30 ग्राम, और अगर हम बात करते हैं विलायक, अब विलायक क्या है हमारे पास यहां पर, जल, और जल कितना दे रखा है 370 ग्राम। अब हमें क्या चाहिए, विलयन, विलयन का द्रव्यमान चाहिए, हमें विलायक नहीं चाहिए था। तो विलयन का द्रव्यमान क्या होता है भाई, जब हम लोग विलेय और विलायक यानी टोटल जो है हमारे पास विलयन उसका द्रव्यमान निकालना है तो 30 और 370 को प्लस कर देना है हमें, तो 30 और 370 ग्राम, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 400 ग्राम। अब ये जो है हमारे पास टोटल जो हमें सॉल्यूशन था विलयन था उसका पता चल गया कि उसका द्रव्यमान कितना है 400 ग्राम। अब अगर हम लोग इस फॉर्मूले में रखते हैं तो विलयन, विलेय का द्रव्यमान कितना है 30 ग्राम, और विलयन कितना आ गया, विलयन का द्रव्यमान 400 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना आ जाएगा 30/4, जो निकलता है 7.5% यानी कि प्रतिशत। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं इस शक्कर के विलयन का सांद्रण कितना हो जाएगा 7.5%। क्लियर है? एक बार दोबारा समझते हैं, एक विलयन दिया गया था उसके जल कितना है उसमें 370 ग्राम, शक्कर कितनी है उसमें 30 ग्राम, और जब हम लोगों ने द्रव्यमान के अनुसार निकाला तो हमें क्या चाहिए, विलयन का द्रव्यमान, जो कितना निकला हमारा 400 ग्राम। अगर हम इस फॉर्मूले के अनुसार निकालते हैं तो कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 7.5%। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब ऐसा ही हम लोग एक और हल प्रश्न जो है हल करेंगे, वो उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। इस प्रश्न में देखिए विलयन के 550 ग्राम में यदि नमक के 110 ग्राम उपस्थित हैं तो विलयन के सांद्रण की गणना कीजिए। अब देखिए फॉर्मूला तो हमारा यही है कि विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। अब यहाँ पर विलय क्या है, यहाँ पर नमक, और विलय का द्रव्यमान कितना दे रखा है 110 ग्राम। और अगर हम बात करते हैं विलयन का द्रव्यमान, अब देखो यहाँ पर जो दे रखा है वो हमें विलयन का द्रव्यमान ही दे रखा है, विलायक का नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे कितना आ गया 550 ग्राम। अब अगर हम लोग इसके अनुसार जाते हैं तो 110 ग्राम अपॉन 550 ग्राम मल्टीप्लाई 100, तो सीधा सीधा 11, जो कि हमारा कितना निकल के आ जाएगा 20%। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि इस नमक के विलयन का सांद्रण कितना होगा केवल 20%।
क्लियर हुआ? दोबारा से देखिएगा, पिछले क्वेश्चन में विलयन का द्रव्यमान नहीं दे रखा था, वो हमने निकाला था, लेकिन यहाँ पर हमें विलयन का द्रव्यमान दे रखा है। तो अगर उसके अनुसार हम देखते हैं तो विलय का द्रव्यमान 110 ग्राम, विलयन का द्रव्यमान 550 ग्राम, और हम लोग जब इसको रखेंगे तो सीधा सीधा वो कितना निकल के आता है, 20%। तो यहाँ पर नमक के विलयन का सांद्रण कितना हो गया, 20%। तो ये हम लोगों ने जो निकाले वो किसके अनुसार निकाले हैं, द्रव्यमान अनुसार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हम पदार्थ यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, नमक, और पिछले वाले प्रश्न में क्या था, शक्कर, और ये दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, ठोस होते हैं। तो जब ठोस पदार्थ होगा तो हम लोग किसके अनुसार निकालते हैं, द्रव्यमान के अनुसार, और अगर वो द्रव्य है तो आयात अनुसार। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या कि हम लोग जो विलयन है वो किसके अनुसार निकालें, विलय की सांद्रता किसके अनुसार निकालेंगे, आयात अनुसार। क्लियर हो गया? तो बच्चों अब बात करते हैं हम लोग विलयन की सांद्रता, लेकिन किसके अनुसार, आयात अनुसार। तो यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हमने पढ़ा था, विलयन का आयतन मल्टीप्लाई 100। वहां पर हम लोगों ने क्या करा था, द्रव्यमान अनुसार था, लेकिन यहाँ पर आयत अनुसार है, तो यहाँ पर क्या आ गया, आयतन आ गया। अब जब भी हम बात करेंगे विलयन की सांद्रता आयत अनुसार, तो यहाँ पर हम लोग क्या मान के चलेंगे कि कितना है, 100 मिलीमीटर। वहां पर हम लोगों ने क्या माना था, 100 ग्राम। तो विलयन के 100 मिलीमीटर में उपस्थित मिलीमीटरों में विलय का आयतन कितना होगा, वही हमें कितना क्या बताएगा, विलयन की सांद्रता। बिल्कुल वैसे ही है, बस वहाँ पर हमारा द्रव्यमान अनुसार था, यहाँ पर हमारा आयतन आ गया। अब इसी पर हम लोग एक प्रश्न करते हैं बच्चों, एक विलयन में जल के 150 मिलीमीटर के साथ अल्कोहल के 50 मिलीमीटर मिश्रित हैं, इस विलयन के सांद्रता की गणना कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो विलयन का आयतन है, यहाँ पर द्रव्यमान अनुसार नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आयतन होगा। और ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग विलय ले रहे हैं वो क्या है, अल्कोहल है, और वो किस फॉर्म में होगा, वो किस रूप में होगा, द्रव्य रूप में। अगर यहाँ पर कुछ और होता जो ठोस होता तब हम लोग द्रव्यमान अनुसार लेते, लेकिन यहाँ पर द्रव्य है तो हम लोग क्या लेंगे, आयत अनुसार। अब विलय का आयतन यहाँ पर कितना है, 50 मिलीमीटर, और विलायक, अब यहाँ पर तो हमें क्या दे रखा है, विलयन दे रखा है, यानी कि पूरा का पूरा नहीं दे रखा है, यहाँ पर सिर्फ विलयन यानी जल का दे रखा है, हमको तो पूरा चाहिए, विलयन का चाहिए। तो विलायक तो हो गया कितना यहाँ पर, 150 मिलीमीटर, और विलयन का आयतन निकालने के लिए हमें इन दोनों को क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। तो 50 और 150 तो हो गया कितना, 150 मिलीमीटर। तो अगर हम बात करते हैं विलय कितना है, 50 मिलीमीटर, और विलयन यानी जब हम लोग इन दोनों को जोड़ देंगे तभी तो हमें वो कंप्लीट मिलेगा, तो वो कितना हो गया, 200 मिलीमीटर। अब विलयन की सांद्रता आयात अनुसार निकालने के लिए फॉर्मूला ये है, तो हम लोग उसको अकॉर्डिंग रखते हैं, तो 50 upon 200 into 100। तो अब इस बिल्कुल देखो, विलय का आयतन कितना था, 50, और विलयन का आयतन कितना निकल के आया, 200। अब उसमें हमने फॉर्मूले में रख दिया तो कितना निकल के आ गया हमारे पास, 20%। कितना होगा, 25%। कितना निकल के आएगा, 25%। क्लियर? तो इस अल्कोहल विलयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 25%। क्लियर? बस हमें इतना याद रखना है कि अगर हमारा जो अल्कोहल है, या हम जैसे यहाँ पे अल्कोहल था, तो जो हमारा पदार्थ है अगर वो द्रव्य है तो हम लोग आयात अनुसार निकालेंगे, और अगर हमारा वो पदार्थ ठोस होगा तो हम लोग द्रव्यमान अनुसार निकालेंगे, और बाकी पूरा का पूरा हमें इस तरीके से आसानी से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग इस पर एक और प्रश्न करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न में बोला गया है, यदि एसीटोन के 2 मिलीलीटर उसके जलीय विलयन के 45 मिलीलीटर में उपस्थित हैं, तो बताइए विलयन के सांद्रता की गणना क्या होगी। अब यहाँ पर जो हमारा पदार्थ है, जो विलय है, वो क्या है, एसीटोन। अब एसीटोन क्या होता है, द्रव्य होता है, तो हम लोग जो निकालेंगे सांद्रता वो किसके अनुसार निकालेंगे, आयतन के अनुसार। तो उसके अकॉर्डिंग बात करें तो विलय का आयतन कितना हो गया, 2 मिलीलीटर, और विलयन का आयतन, अब यहाँ पर हमें जलीय विलयन दे रखा है, पूरा का पूरा अपने आप पूर्ण में दे रखा है, तो विलयन का आयतन कितना हो गया, 45 मिलीलीटर। पिछले वाले प्रश्न में हम लोगों ने ये निकाला था, यहाँ पर हमें खुद ही दे रखा है। तो विलय का आयतन 2 मिलीलीटर और विलयन का आयतन 45 मिलीलीटर। अब उस विलयन जो हम लोग सांद्रता निकालेंगे,
किसके अनुसार निकालें, आयत अनुसार। तो सीधा सीधा फॉर्मूले के अनुसार हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, तो दो बटे 45 मल्टीप्लाई 100, तो सीधा सीधा हमारे पास कितना निकल के आ गया, 4.4%। तो यहाँ पर इस एसीटोन विलयन की सांद्रता कितनी हो गई, 4.4%। तो बस हमको याद ये रखना है कि जो हम लोग विलय ले रहे हैं वो किस तरीके से है, किस रूप में है। अगर वो द्रव्य है तो तो हम लोग आयतानुसार, और अगर वो ठोस है तो द्रव्यानुसार। क्लियर हो गया? तो बच्चों अब बात करते हैं हम लोग संतृप्त और असंतृप्त विलयन की, यानी कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस की। सबसे पहले हम बात करते हैं असंतृप्त विलयन की। अब बच्चों अगर मान लो हमें कोई एक घोल बनाना है, यानी दो पदार्थों को आपस में मिलाना है, और हम लोग जो विलय है उसको मिला रहे हैं, और वो अधिकतम जितना हम लोग मैक्सिमम मिला सकते थे वहाँ तक हम लोगों ने मिलाया, लेकिन एक कंडीशन क्या लगा दी कि उसका ताप नहीं बढ़ना चाहिए, यानी टेम्परेचर जो है वो नहीं बढ़ाना है, और विलय जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मिला दें, तो वो कौन सा होगा, असंतृप्त विलय, यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दोबारा देखते हैं एक बार, विलयन जिसमें एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें उसका ताप बढ़ाए बिना हमें टेम्परेचर जो है, ताप जो है वो बढ़ाना नहीं है, विलय की अधिक मात्रा घोली जा सकती है, विलय यानी जो हम लोग पदार्थ उसमें मिला रहे हैं उसकी अधिक मात्रा मिलाई जा सकती है, उसको असंतृप्त विलयन कहते हैं, यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर? अब अगर मैं बात करता हूँ संतृप्त विलयन की, तो एक ऐसा विलयन जिसमें उसी ताप पर, वहाँ पर भी हम लोगों ने बढ़ाया नहीं था, यहाँ पर भी हम लोगों ने ताप बढ़ाया नहीं है, उसी ताप पर सेम ताप पर अधिक विलयन नहीं मिल सकता या घोला जा सकता है। यहाँ पर हम लोग और अच्छे से बोल सकते हैं कि घोला नहीं घोला जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, वहाँ पर हम लोग अधिक मात्रा तक कर दिया बिना ताप बढ़ाए, और यहाँ पर हम लोगों ने उसी ताप पर उससे ज़्यादा हम लोग नहीं घोल सकते हैं उसमें विलय को, तो वो क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। दोबारा समझिए एक बार को, हम लोग जब अधिक मात्रा में घोल चुके हैं बिना ताप बढ़ाए, तब हमारा क्या होगा, असंतृप्त विलयन, और हम लोग इससे ज़्यादा अब नहीं घोल पाएंगे सेम ताप पर, तब वो हमारा क्या कहलाता है, विलयन, संतृप्त विलयन। क्लियर बच्चों? तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी के हम लोग जो टॉपिक है वो अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। जाने से पहले जिन जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी हो वो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।